हेलो दोस्तों, बायो पार्क के दूसरे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देख सकते हैं आप, लकड़ी का सुअर और लकड़ी का चिड़िया बना हुआ है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे कचरा डालने के लिए भी डब्बा रखा हुआ है। और यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, इसमें हम घूम सकते हैं। मूर्ति भी बना हुआ है जो हाथ जोड़ते हुए, बहुत सुंदर है। बड़ा सा तालाब भी बन चुका है, लेकिन उसमें भी पानी पूरी तरह से नहीं भरा है। उस समय को भरने के बाद चालू कर दिया जाएगा। ये देखिए छतरी बना हुआ है, यहाँ पे बैठ के हम ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। और इधर भी बैठने के लिए कुर्सी बना हुआ है सीमेंट का, इसमें हम बैठ के यहाँ का नज़ारा का आनंद ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, और हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है और यहाँ पे बीच में पानी गिरने का झरना टाइप से बना हुआ है। अभी तो पानी चालू नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। आगे जा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे शौचालय वगैरह भी बना हुआ है, लोगों के रुकने के लिए स्थान है। यहाँ पे शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। इसका प्रतिदिन देख रेख किया जाता है और यहाँ पानी डाला जाता है सभी पौधों में, और सभी तरफ बहुत हरा भरा है। देखने में इतना अच्छा और इतना महसूस होता है कि लगता है कि हम यहीं रह जाएं। चारों तरफ फूल बना हुआ है, लगा हुआ है, ये प्रकार के फूल गुलाब, चमेली, मोगरा, इस तरह से प्रकार के मनोहर फूल हैं। इसमें से सुगंध आती रहती है और इन सब में पानी हमेशा डाला जाता है, जिसकी वजह से यह ताज़ा है। अभी कुछ पौधे छोटे छोटे हैं जो बड़े नहीं हुए, उस समय के अनुसार धीरे से बड़े हो जाएंगे। नारियल का पेड़ है और इस तरह से अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष भी लगाए गए जो समय के साथ बड़े हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और बीच बीच में लाइट के लिए खंभा भी लगाया गया है, यहाँ सौर ऊर्जा से लाइट जलता है। शाम के समय या रात के समय यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर लगेगा। बाद में इसे शाम और सुबह खोला जाएगा, लेकिन अभी यहाँ काम चालू होने की वजह से सुबह शाम नहीं खोलते हैं, दिन को खुला रहता है। ये देखिए सौर प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है, इसी के माध्यम से यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है और सभी तरफ लाइट का कनेक्शन लगा हुआ है। और यहाँ पे भी टंकी भी लगाया गया है। देखिए यहाँ से पानी नीचे आता है। और ये देखिए तालाब में यहाँ केला लगाया गया, बहुत सारा केला लगाया गया है। फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं। यहाँ पे नाव भी रखा हुआ है, चढ़ के नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। लेकिन सब बनने में थोड़ा सा कुछ समय लगेगा, लगभग 6 महीना लग सकता है। इसके बाद रौनक अत्यंत बढ़ जाएगा, देख सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पे पानी सिंचाई की जा रही है और घास को अभी छोटे छोटे हैं, बढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। दवाई भी छींटा जाता है और विटामिन भी छींटा जाता है जिससे जल्दी से बढ़ सके। कुछ समय के पश्चात हमको यहाँ पे दवाई छींटने लगे तो हमको बाहर जाने के लिए कहा गया, तो हम बाहर से मतलब इसका निरीक्षण करने लगे। इधर बहुत बड़ा एरिया में इसको बनाया जा रहा है। इधर अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष
भी लगाए गए हैं, और इधर जहाँ समतल नहीं यहाँ समतल किया जा रहा है, देख सकते हैं। इधर अनेक प्रकार के बगान लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग बाई पार्क से बाहर निकल चुके हैं और उसके आसपास के एरिया को समतल करके बनाया जा रहा है, देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा आज का यह ब्लॉग यहाँ पे समाप्त किया जाता है, देख सकते हैं। जब भी आप लोगों को आना होगा तो पार्क का एरिया है पूरा, आ जाइएगा और यहाँ का आनंद लीजिएगा। सांबी पार्क में आने पर आप लोग को ये आसानी से यहाँ पे कोई भी बता सकता है।